हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली रेपो बॉन्ड को लेके। रीपरचेजिंग बॉन्ड की बात यहाँ पे की गई है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार से अल्पकालीन धन जुटाने के लिए रेपो बॉन्ड का यूज है वो किया जा सकता है। मतलब रेपो बॉन्ड का यूज है वो कौन से मार्केट में यूज कर सकता है। कॉमर्शियल बैंक यूज कर सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट बैंक यूज कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट बैंक का वो यूज कर सकते हैं। तो देखो, आपको बता दूं कि कॉमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेट बैंक है वही बेसिकली रेपो बॉन्ड का यूज है वो कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट बैंक है वो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो होता क्या है, जैसे बैंकों को भी आपको पता है कि उधारी की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बार एक दूसरे से कि यार हमें एक दिन के लिए पैसे उधार दें, उसी तरीके से बैंकों को भी अपनी जो बैलेंस शीट है उसको मैनेज करने के लिए, SLR है, CRR है, उनको मैनेज करने के लिए वो बैंकों को भी आपस में इधर उधर से लोन है वो लेना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो एक्चुअली वो शॉर्ट टर्म के जो लोन मिलता है वो उनको काफ़ी महंगा मिलता है। मतलब नॉर्मल जो रेट होती है उससे महंगा लोन मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी में अगर किसी को भी जरूरत होती है तो उसकी ज़्यादा कीमत वो होती है ऑब्वियसली। तो वही मार्क कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसीलिए रेपो बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके द्वारा इसका यूज है वो किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, पैसा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय लोगों का जो आगमन हुआ था इंडिया में उसके बारे में बेसिकली पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यह है कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में पहुंचने के लिए यूरोपीय व्यापार शक्तियों में से आखिरी थी। मतलब फ्रांसीसी कंपनी इंडिया में सबसे लास्ट में आई थी यूरोपियन की अगर बात करें तो। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि कोरोमंडल तट के साथ व्यापार करने का एकाधिकार बनाने के लिए पुर्तगाल द्वारा कार्टे सिस्टम का यूज है वो किया जाता था। दोनों ही चीज़ों को आपको काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा एक बार माइंड मैप सेट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि देखो गंगा रिवर के बारे में तो आप समझ जाना। पहला स्टेटमेंट है कि जो नदियाँ हैं वो आपस में पैरेलल बहती हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सहायक कोण तीव्र कोणों में अपने मास्टर धाराओं को पूरा करता है। मतलब जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं वो उसकी जो भी, जैसे ये मान लो कि मैन गंगा हुई तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो इसमें तीव्र कोण से ऐसे तिरछी इस तरीके से मिलती हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि मोस्ट रिवर आर ऑफ पेनिनसुलर नेचर। मतलब जो गंगा रिवर सिस्टम की जो नदियाँ हैं वो बेसिकली हम बात करें तो वो एक तरह से 12 मासी प्रकृति की हैं, मतलब 12 महीने बहती हैं। चौथा स्टेटमेंट यह है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए ढाल है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। देखो हम बात करें, पहले हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट की। तो आप एक बार तो गंगा रिवर के ड्रेनेज सिस्टम को आप समझिए, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो आपको एक बार, जैसे गंगा रिवर किस तरीके से फ्लो करती है, कुछ ऐसे ऐसे निकलती है और फिर इस तरीके से होते हुए और ऐसे वो बंगाल में जाके गिरती है। अब देखो होता क्या है, गंगा के फिर इधर से कौन सी रिवर आती है साइड से, यहाँ पे आती है यमुना जो आके इस तरीके से मिलती है। इसके बाद में जो बाकी नदियाँ हैं वो गंगा में बेसिकली कुछ इस प्रकार मिलती हैं ऐसे ऐसे, अगर आपको ध्यान हो तो। और इधर से जो रिवर है वो भी कुछ इस प्रकार से मिलती हैं। तो हम देखो एक तरीके से क्या देख रहे हैं कि देखो ये रिवर है ये इसके पैरेलल हो रही है, इसके पैरेलल मतलब गंगा में जो रिवर्स हैं वो एक दूसरे के बेसिकली पैरेलल है। इधर आप गंगा यमुना की बात करो तो ये गंगा हो गई, ये यमुना, तो पैरेलल से हो रही है ना। देखो इधर भी आप देख सकते हो कि पैरेलल है, तो पहला स्टेटमेंट मतलब सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कि जो कोण है मतलब नदियाँ जो इसकी ट्रिब्यूटरी अगर गंगा में मिल रही है तो वो एक एंगल का बना रही है। देखो ऑलमोस्ट एंगल सा बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेम एंगल सा, ये इधर से इस एंगल में ऐसे ऐसे, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है वो हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि भाई 12 मासी नदियाँ हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है बेसिकली मैं ज़्यादातर ट्रिब्यूटरी वो कहाँ से निकलती है, हिमालय वाले क्षेत्र से, और हिमालय में पानी है वो आपको पता है 12 महीने रहता है। बस ये अलग बात है कि कभी पानी का फ्लो ज़्यादा होता है कभी कम होता है, बट 12 मासी नदियाँ हैं तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। बात करें चौथे स्टेटमेंट की तो आप देख सकते हो कि चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर और गंगा की जो सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें बेसिकली ढाल बहुत कम है। इसीलिए होता क्या है कि इनके अंदर काफ़ी निक्षेप जमा होता है और यहाँ से जल विद्युत है वो नहीं बनाई जाती है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्यूपलर बैंड को लेके।
तो क्यूबलेट बेट को लेके चार तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट यह है कि क्यूबलर बेल्ट में सौर मंडल का कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि शुद्र बेल्ट की तुलना में क्यूबलर बेल्ट में पाए जाने वाले जो ग्रह हैं वो बड़े होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि हुमा और मके मेक जो क्यूबलर बेल्ट में स्थित बौने ग्रह हैं या जिन्हें ड्वार्फ प्लेनेट की बात यहाँ पे की गई है, कि बेसिकली क्यूबलर बेल्ट में दो ड्वार्फ प्लेनेट है जिनका नाम है हुमा और दूसरा है मके मेक। तो ये आपको बताना कि तीसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट एक बार आप पढ़ लीजिए फिर आप सोचिए। अब देखो ये क्वेश्चन आप बताना आपको है, मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम एक बार क्यूपलर बेल्ट और बेसिकली बात करें यहाँ पे, इनको जान लेते हैं कि कौन सा तो क्यूपलर बेल्ट है यहाँ पे और कौन से की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो ये हमारा सौरमंडल है, ये हो गया हमारा सन, इसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो ये बेसिकली हमारे ग्रह हो गए और यहाँ पे होगा प्लूटो जो कि पहले ग्रह था और आज ये ग्रह या प्लेनेट में शामिल नहीं है। तो देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्यूपलर बेल्ट कहाँ पे है और एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है। क्यूपलर बेल्ट तो है देखो हमारा सोलर सिस्टम है इसके बाहर की साइड, सबसे आउटर लेयर मतलब प्लूटो के बाहर जो है बेसिकली जो धुंधली सी में एक आकृति दिखती है कि स्प्रिंग के आकार की छल्ले आकार की, वो है क्यूपलर बेल्ट सबसे बाहरी में। और बात करें जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो है बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में। तो देखो अब आपको समझ जाना है, अब आपको दोनों जो तीनों स्टेटमेंट है उनको वेरीफाई करना है कि क्या स्टेटमेंट में बातें कही हैं वो सही हैं या गलत हैं। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो आप एक बार सोच के देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्यूपलर बेल्ट में सौरमंडल का कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। अब आप देखिए एक बार ढंग से क्यूपलर बेल्ट कहाँ पे है, ये रहा। तो क्यूपलर बेल्ट में ऑब्वियसली कोई भी ग्रह नहीं है, पहला स्टेटमेंट मतलब बिल्कुल सही है क्योंकि सारे ये जो ग्रह हैं हमारे वो सारे इधर के ग्रह हैं क्यूपलर बेल्ट से पहले ही, तो पहला स्टेटमेंट मतलब सही हो जाता है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है बेसिकली कि जो क्यूपलर बेल्ट है इसमें पाए जाने वाले ग्रह हैं वो बेसिकली क्षुद्र बेल्ट की तुलना में या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसकी तुलना में बड़े हैं। तो आप ये अब आपको देखना कि कौन से बड़े कौन छोटे किस तरीके से सही है नहीं है। वो तीसरा स्टेटमेंट है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट के आधार पे, डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट के आधार पे क्वेश्चन है। तो देखो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए, तो ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको दूसरे स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सोचना है और इसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना है। अब हम चलते एक बार वापस देख लेते हैं, ये होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये होगा यहाँ पे क्यूपलर बेल्ट। आप देखिए कि इसमें जो ग्रह की साइज है वो छोटी बड़ी है किस तरीके से है, वो आपको कमेंट बॉक्स में सोच के बताना है। अब चलते हैं हमारे आज के डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली कंपटीशन एक्ट 2002 है उसके तहत बेसिकली बनाया गया था और इसे मार्च 2009 में बेसिकली एक स्टेचुरी बॉडी या स्टेचुरी एक्ट के तहत बनाया गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इसके जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है वो किए जाते हैं। अब देखते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है वो क्या है। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिकली चार काम है, कौन कौन से चारों काम है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वो ये है कि देखो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे कि मार्केट में कंपटीशन है वो डाउन हो सकता है उसको बेसिकली है रोकता है। जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी अपनी मनमर्जी करती है, जैसे कि आपको पता है जियो स्टार्टिंग में आई थी तो बाकी इधर कंपनीज ने आरोप लगाया था कि भाई जियो अपनी मनमर्जी कर रही है, तो उसलिए कुछ ना कुछ हद तक उसके बाद में एक्शंस लिए गए थे। मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, मार्केट में कंपटीशन है वो बना रहे सभी कंपनीज के बीच में, इसके लिए माहौल बनाता है, ऐसा नहीं हो कि किसी भी कंपनी की अपनी मनमर्जी चलती रहे। दूसरा काम इसका यह है कि जो मार्केट है इसमें कंपटीशन को प्रमोट करता है। ध्यान रखना दूसरा काम क्या है, मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करना। पहला काम क्या है, मार्केट में कंपटीशन के बायसनेस ना हो, मतलब मार्केट में कंपटीशन है ऐसा नहीं हो कि एक ही आदमी है वो अपनी मनमर्जी करने लग जाए। तीसरा काम क्या है इसका, कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करना, मतलब ये बेसिकली कंज्यूमर का फेवर है वो लेता है, कंज्यूमर की तरफ इसका ध्यान है वो रहता है। चौथा काम क्या है, ट्रेड को फ्रीडम देने के लिए, मतलब ट्रेड है वो एक मुक्त होना चाहिए, मतलब ट्रेड में कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए, कोई भी मनमर्जी नहीं होनी चाहिए किसी की कि कोई स्टेट है वो कैसे अपनी मनमर्जी लगाए, कोई कंपनी किस तरीके से मनमर्जी लगा के एक तरीके से उल्लंघन वगैरह कुछ करे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इन चारों पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि भाई इसका काम यही है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन है वो बना रह सके, इसके लिए प्रतियोगिता का माहौल तैयार करता है और कोई भी कंपनी या कोई भी स्टेक होल्डर मनमर्जी करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर लगाम है वो लगाई जाती है।
अभी न्यूज़ में क्या था वो देखते हैं। देखो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ बेसिकली है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बेसिकली अभी एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो हुई थी बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड कंपटीशन लॉ के बारे में। तो बेसिकली इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो कि एक थिंक टैंक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है IICA, वो एक थिंक टैंक है, ना कि कोई NGO वगैरह है, और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के लिए स्टडी वगैरह रिसर्च वगैरह करने का काम है वो करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में। तो देखो ये नाम काफी बार हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो क्या है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, काफी सिंपल हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। जैसे कि मेरे से एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैंने, ये मान लो कि SBI बैंक से मैंने लोन ले लिया, इसके बाद मैं SBI बैंक का जो लोन है वो नहीं चुका रहा हूँ, ठीक है, और मैंने PNB बैंक से दोबारा लोन ले लिया, ठीक है, और PNB का लोन भी मैं नहीं चुका रहा हूँ, इसके बाद मैंने HDFC से लोन ले लिया और फिर भी नहीं चुका रहा हूँ। तो देखो मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट कर दी, लोन ले रहा हूँ और एक तरह से NPA में पैसा कन्वर्ट होता जा रहा है और मैं लोन नहीं चुका रहा, मतलब कहीं ना कहीं मेरी नीयत में संदेह और मैं पैसा नहीं चुकाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हुआ इसके, देखो किस लिए ऐसा हुआ कि मैंने पहले SBI से लोन लिया फिर PNB ने मुझे लोन दे दिया। देखो इसमें एक चीज़ आपने देखी कि SBI ने लोन दिया ना, तो SBI ने फिर ये नहीं बताया PNB वगैरह को, अगर एक सिस्टम होता ऐसा जिसमें पता होता कि हाँ भाई मैंने SBI से इतना लोन लिया हुआ है, और PNB अगर इस चीज़ को देख पाता कि हाँ भाई अच्छा इस इंसान ने यहाँ से लोन लिया हुआ है पहले, तो उसने वहाँ का लोन ही नहीं चुकाया, तो ऑब्वियसली हमारा लोन कहाँ से खाक चुकाए गए, तो इसलिए कहीं ना कहीं PNB मुझे लोन नहीं दे पाता। बट अभी दिक्कत कहाँ हुई, यहाँ पे मेरे वाले केस में दिक्कत ये हुई कि SBI का लोन मैंने लिया बट SBI की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे लोन संबंधित PNB के पास नहीं थी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि विजय माल्या से लोग थे वो विलफुल डिफॉल्टर बन गए थे, पैसा जानबूझ के नहीं चुका रहे थे और नए एक से एक बाद नया लोन लेते जा रहे थे। तो इसके लिए पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाई जा रही है। ये है क्या, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने लोन लिया SBI से लोन लिया, तो मेरी जो भी डिटेल्स हैं सारी, कि मैंने कितना लोन लिया है, किस लिए लिया है और कब तक उसको चुकाऊंगा, जो भी सारी डिटेल्स हैं लोन संबंधी मेरे बारे में, वो बेसिकली एक जगह अपलोड है, वो कर दीजिए। मान लो कि ये सिस्टम है, इसमें मेरी सारी डिटेल हो गई। अब इस सिस्टम की जो पावर है वो PNB बैंक के पास भी रहेगी, HDFC सारे बैंकों के पास पावर रहेगी। अब मान लो कि मैं जाता हूँ PNB बैंक के पास, फिर PNB को कहता हूँ भाई साहब मेरे को लोन चाहिए, तो PNB पहले मेरे बारे में देखेगा कि भाई ये पर्सन लोन लेना है कैसा, पहले इसने लोन लिया तो नहीं है कहीं और नहीं चुकाया हो, तो PNB को पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैंने तो लोन ले रखा है SBI से और उसका तो लोन चुका ही नहीं है मैंने, मतलब वहाँ मैं डिफॉल्टर बना हूँ, तो PNB कहीं मुझे लोन नहीं देगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि PNB का पैसा बच जाएगा, और PNB का कहीं ना कहीं ये आप बोल सकते हो कि PNB का जो पैसा है वो NPA होने से बच जाएगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम जो बता रजिस्टर है, इसका नाम है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, मतलब पब्लिक है उसकी क्रेडिट लेने की, लोन लेने की जो क्षमता है, इसका एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर फिर लोगों को लोन दिया जाएगा। जब किसी इंसान ने एक बार लोन ले लिया फिर उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, अगर दोबारा लोन लेता है तो देखा जाएगा पहले का लोन उसने किस तरीके से चुका है, उसी आधार पर उसको दूसरा लोन है वो दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी क्या है, RBI ने एक हाई लेवल की टास्क फोर्स है वो गठित की है कि भाई पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है वो इंडिया में बनाई जा सके, ताकि देश के जो भी लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन हैं, कॉर्पोरेट बोरोस उधार लेने वाले लोग हैं, उनकी डिटेल्स एक रिपोजिटरी यहाँ पे हो और पता चल सके जब भी वो लोन लेने हैं तो कि भाई इन्होंने पहले लोन लिया है तो चुकाया नहीं चुकाया। तो इससे क्या होगा कि जो विजय माल्या या फिर जो नीरव मोदी जैसे लोग हैं उनसे बचा जा सकेगा, उनको कहीं ना कहीं लगाम है वो लगाई जाएगी। इसके साथ ही जो SEBI है या फिर जो कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री है, इसका डाटा भी बेसिकली इसमें रहेगा, ताकि पता रहेगा कि भाई शेयर मार्केट में तो मैंने की धांधलीबाजी नहीं की है, मतलब जब भी मुझे लोन मिलेगा तो पहले देखा जाएगा कि मेरा पहले का फीडबैक कैसा है, कि मैंने लोन लोगों से लिया चुकाया नहीं चुकाया, SEBI के साथ मेरा कैसा व्यवहार रहा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें से पता चल जाएंगी। क्योंकि SEBI जब भी मुझे लोन कोई भी मतलब शेयर मार्केट से संबंधित काम होगा तो मेरी इन्फॉर्मेशन SEBI इस पोर्टल पर या यहाँ पर अपलोड कर देगी, तो उसके बाद कोई दूसरा बैंक लोन देगा तो वो देख लेगा कि अच्छा SEBI के साथ इस इंसान ने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। तो ये है बेसिकली पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। इससे एक देखो एक फायदा होगा कि जो बैड बैंक या जो NPA की बात की जा रही है बैड लोन की, वो भी कहीं कुछ हद तक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बैड लोन कैसे, बैड बैंक कैसे बनाने की जरूरत पड़ रही थी कि जो पैसा है वो NPA में बहुत ज्यादा हो रहा था। NPA में क्यों हो रहा था, मैंने SBI से भी लोन ले लिया, PNB से भी लोन ले लिया और सारे बैंकों से लोन लेता जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सब जगह डिफॉल्टर बनता जा रहा हूँ, तो NPA की समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस पर भी लगाम है वो लगेगी।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। तो देख लें ओसिरिस जो मिशन है वो किससे रिलेटेड है। देखो सबसे पहला फैक्ट ये है कि नासा का ये एक मिशन है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बेसिकली 2016 में इस मिशन को लॉन्च है वो किया गया था, और इसका काम क्या है ओसिरिस मिशन का, इसका काम यह है कि जो एस्टोरॉयड बेनू है, एस्टोरॉयड है उसकी बेसिकली स्टडी है करेगा। बेनू एस्टोरॉयड है वहाँ जाएगा, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा और उन सैंपल को लेके फिर धरती पे आएगा वापस, ये बेसिकली इसका काम है। देखो जो मिशन है जिसे मैंने आपको बताया कि एस्टोरॉयड है बेनू, जिसका नाम है वैसे 10195 बेनू, ये इसका पूरा नाम है, यहाँ जाएगा और यहाँ के सैंपल कलेक्ट करके धरती पे वापस 2023 तक आने इसका प्लान है। तो 2016 में इस मिशन को लॉन्च है वो नासा द्वारा किया गया था, और इस बार जो सितंबर 2018 था तब यह बेसिकली बात करें तो बेनू एस्टोरॉयड पे पहुंच गया था, और अब वहां से सैंपल कलेक्ट करके वो 2023 तक वापस धरती पे आने का इसका प्लान है। यह है बेसिकली ओसिरिस मिशन। तो कौन से एस्टोरॉयड से रिलेटेड, तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि पूछ लेगी कि सेचन की स्टडी के लिए है या फिर एस्टोरॉयड बेनू के लिए, किसके लिए, तो यह हमें पता होना चाहिए। अब थोड़ा और डिटेल हम देखते हैं। देखो बेसिकली नासा का एक मिशन और था जिसका नाम है न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है नासा का, इसके अंदर तीन मिशन थे। ये जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है ये बेसिकली एस्टोरॉयड हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर हमारे स्पेस के अंदर जो और प्लेनेट के अलावा जो और बॉडीज हैं उनकी स्टडी के लिए बेसिकली इस न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम को लॉन्च है वो किया गया था। तो इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट था इसका वो था न्यू ओरिजिन स्पेसक्राफ्ट या न्यू ओरिजिन मिशन। जो न्यू ओरिजिन मिशन था वो बेसिकली था प्लूटो की स्टडी के लिए, जो कि आपको पता है कि आजकल एक ड्वार्फ प्लेनेट के तौर पे जाना जाता है। तो न्यू ओरिजिन मिशन है वो बेसिकली न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का ही एक पार्ट है जो कि प्लूटो की स्टडी के लिए था। दूसरा जो इसका प्रोग्राम है जिसका नाम है जूनो स्पेसक्राफ्ट है वो बेसिकली जूनो की स्टडी करने के लिए है। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जूनो क्या है ये बताइए आप, जूनो के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा जो हमने अभी डिस्कस किया न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का वो है ओसिरिस मिशन, जो कि बेसिकली एस्टेरॉयड बेनू की स्टडी के लिए है। तो ये तीनों ही फैक्ट हमने यहाँ पे जाने, और नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली है वेस्टर्न पैसिफिक नेशन के बारे में। एक कंट्री है जिसका नाम है पालो। तो जो पालो कंट्री है ये बेसिकली वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने सनस्क्रीन को बैन है वो कर दिया है। तो ये तो है कंटेक्स्ट। तो देखो सबसे पहले तो हम पालो की लोकेशन है वो देखते हैं। ये तो हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन, ये देखो गया यहाँ पे यूएसए, ये हो गया चाइना, यहाँ पे कोरिया, जापान, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे न्यू पापा न्यू गुनिया हो गया, ये यहाँ पे फिलीपींस हो गई, छोटी छोटी कंट्रीज वो आपको बताइए। ये यहाँ पे है पपलू, ये आपको ध्यान रखना है पलुआ। ये पलुआ एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, छोटा छोटा आइलैंड है इसमें बेसिकली, ये इसकी यहाँ पे डिस्टेंस दी गई कहाँ से कितना दूर वगैरह है, तो इसकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। फिजी कहाँ पे, फिजी देखो यहाँ इस वाले एरिया में फिजी है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आगे। देखो पहले तो हम जानते हैं कि सनस्क्रीन क्या होती है। देखो जो सन क्रीम होती है जिसे सन लोशन के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली, या सन ब्लॉक या सन क्रीम होती है, वही बेसिकली सनस्क्रीन है वो होती है। अब होता क्या है, सनस्क्रीन या सन लोशन का हम यूज क्या करते हैं कि हमारी बॉडी पे जो सन की लाइट है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट ना करे, इसके लिए बेसिकली हम सन लोशन का यूज है वो करते हैं। तो यह एक तरीके का लोशन होता है या फिर स्प्रे होता है या फिर जेल टाइप का कुछ होता है, जो कि क्या करता है सन की जो यूवी रेज है ना उनको या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि वो यूवी रेज हमारी बॉडी को इफेक्ट है वो ना कर सके। बट देखो इसका एक नुकसान होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जो ये लोशन स्प्रे जेल की फॉर्म में होता है ना, ये जो ओशियन का पानी होता है उसमें घुल जाता है, और फिर जो कोरल रीफ होती है ना उनको नुकसान पहुंचाता है, उनके लिए पॉइजन का काम है वो करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी एक तरीके से बीच वगैरह पे लोग जाते हैं या फिर स्विमिंग वगैरह करते हैं वो कहीं ना कहीं सनस्क्रीन का या सन लोशन का यूज करते हैं, और वो कहीं ना कहीं कोरल रीफ के लिए एक बहुत बड़ा मेजर कारण है वो बनता है। तो भी जो पॉपुलर कंट्री है इसने बेसिकली इसको बैन है वो कर दिया है कि भाई सनस्क्रीन जो क्रीम है वो बेसिकली वहाँ पे नहीं बेची जा सकती। तो वर्ल्ड की पहली कंट्री है बनी है जिसने कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको 100% तरीके से बैन है वो कर दिया है, और फाइन का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी इसको बेचता पाया गया इलीगल तरीके से तो उसको $1,000 का फाइन है वो देना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले तो ये कि पॉपुलर कंट्री है कहाँ पे, दूसरा भी न्यूज़ में क्यों है। देखो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। अब एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना, जो कि स्टेचुरी बॉडी है, 2009 में एक्ट के तहत बनाई गई थी।
ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में जाना कि आरबीआई ने भी एक हाई लेवल की टास्क फोर्स बनाई है जो कि पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में बातचीत चल रही है। इसके बाद में हमने जो पहलुआ कंट्री है इसके बारे में जाना कि भाई उसका क्या टारगेट है। इसके साथ ही हमने ओसिरिस-रेक्स जो मिशन है नासा का उसके बारे में जाना और नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम जाना जिसके तीन पार्ट हैं, एक तो है न्यू ओरिजिन स्पेसक्राफ्ट, दूसरा है जूनो की स्टडी और तीसरा हमने जाना ओसिरिस-रेक्स मिशन। तो ये थी आज की मेरी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।